हेलो स्टूडेंट्स, अब हम उसी कंटिन्यूएशन में चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपकी है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब ये यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ डेल्टा ओमेगा की जो होगी और टाइम की जो हो यूनिट होगी। ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ये टाइम है, इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके हम डायमेंशन की बात करें, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी डेल्टा ओमेगा की डायमेंशन अपॉन डेल्टा टी की डायमेंशन। डेल्टा ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की वही डायमेंशन होती है जो फ्रीक्वेंसी की होती है। एंगुलर वेलोसिटी की वही डायमेंशन होती है जो फ्रीक्वेंसी की होती है टी माइनस वन अपॉन टाइम की क्या हो जाएगी? टी। तो क्या हो जाएगी? टी माइनस टू। क्या हो जाएगी? टी माइनस टू। क्या हो जाएगी? टी माइनस टू। अगला है गैस कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए भी, एकेडमिक के लिए भी, नीट के लिए भी, आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी और केवीपीवाई के लिए भी आपके ये इंपॉर्टेंट है। गैस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। आप लोगों ने गैस का तो जानते ही है, कोई भी गैस होती है तो गैस का एक प्रेशर होता है, गैस का एक वॉल्यूम होता है, गैस का एक टेम्परेचर होता है और एक नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में जो रिलेशन होता है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में जो रिलेशन होता है उसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो ये पीबी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पी क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। अब यहां से कैपिटल आर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन एनटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन एनटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन एनटी आ जाएगा। तो अब आप देखें आर की यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ आर आ जाएगी यूनिट ऑफ पीवी अपॉन यूनिट ऑफ एनटी, यूनिट ऑफ एनटी। अब आपको बता दें प्रेशर इंटू वॉल्यूम की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वही यूनिट होती है जो वर्क की होती है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये वर्क डन की इक्वल होता है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वही यूनिट होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है या वर्क की यूनिट होती है। तो ये क्या हो गई? जूल। और यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो उसकी यूनिट क्या हो गई? मोल। क्या हो गई? मोल। टी क्या है आपका? टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। तो आर की ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपकी गैस कांस्टेंट की यूनिट हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। गैस कांस्टेंट की यूनिट बताइए स्टूडेंट्स, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। कैपिटल आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसके डायमेंशन की बात करें, कैपिटल आर की डायमेंशन हो जाएगी वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन होती है मोल, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है केल्विन कैपिटल के। तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल माइनस वन के माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल माइनस वन के माइनस वन। कुछ बुक्स में टेम्परेचर के यहाँ डायमेंशन को थीटा लिखा गया होगा तो यहाँ थीटा माइनस वन लिखा गया होगा, लेकिन एसआई यूनिट में हम टेम्परेचर के डायमेंशन को केल्विन लिखते हैं, इसलिए यहाँ आपको के माइनस वन लर्न रखना है। तो ये आपकी हो गई गैस कांस्टेंट की यूनिट, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम में होती है 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक, तो ये गैस कांस्टेंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगी। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है। नेक्स्ट है हमारा कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी। क्या है कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी? इसको किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। अब ये अगर कोई एक बॉडी हो, ये कोई एक बॉडी हो जिसकी रेडियस आर हो, ये कोई एक बॉडी हो जिसकी रेडियस आर हो और ये किसी लिक्विड में वी वेलोसिटी से गिर रही हो, तो ये लिक्विड इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। ये होता है एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, यहाँ से ईटा क्या हो जाएगा? एफ अपान आर वी हो जाएगा। सिक्स पाई की कोई यूनिट तो होती नहीं, एफ अपान आर वी हो जाएगा। ईटा क्या है? कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी। ईटा क्या है? कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी। तो ईटा की यूनिट हो जाएगी एफ की यूनिट अपान आर इंटू वी की यूनिट। यह फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी। ये वेलोसिटी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो न्यूटन इंटू सेकंड मीटर माइनस टू, न्यूटन इंटू सेकंड मीटर माइनस टू, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो पास्कल इंटू सेकंड। क्या? पास्कल इंटू सेकंड। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी की यूनिट हो जाएगी पास्कल इंटू सेकंड। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, ईटा की डायमेंशन हो जाएगी आपकी ये डायमेंशन फोर्स की MLT माइनस टू अपन ये डिस्टेंस की डायमेंशन L, ये स्पीड की डायमेंशन LT माइनस वन। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML माइनस वन T माइनस वन, ML माइनस वन T माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बोल्टमैन कांस्टेंट KB, बोल्टमैन कांस्टेंट KB की बात करें, जब भी कोई एक मॉलिक्यूल हो, जब भी कोई एक गैस मॉलिक्यूल हो जिसका टेम्परेचर T हो, तो उसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू थ्री बाई टू KB इंटू T, इक्वल टू थ्री बाई टू KB इंटू T। तो यहाँ से KB बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन T। तो यूनिट KB की क्या हो जाएगी? E की यूनिट हो जाएगी अपॉन T की यूनिट हो जाएगी। ये क्या है? एनर्जी, तो जूल हो जाएगी। ये क्या है? टेम्परेचर, तो केल्विन हो जाएगी। तो जूल पर केल्विन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें बोल्टमैन कांस्टेंट, तो हो जाएगी एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये टेम्परेचर की डायमेंशन हो जाएगी के, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी और बोल्टमैन कांस्टेंट की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कंटिन्यूस में आगे बताएंगे। आपको फिजिक्स जीनियस चैनल पर जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, फिर आगे के डायमेंशन के लिए रेडी हो जाना है। ओके स्टूडेंट्स।